के पास स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर 200 झुग्गियां जलने की खबरें आ रही है। आपको बता दें कि नाथूपुर में झुग्गियों में आग लगी है और आग में लगभग 200 झुग्गियां जो है वो जलकर खाक हो गई है। हादसे में एक 7 महीने के बच्चे की भी मौत हुई है। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुलशन, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बड़ी खबर यहां से आ रही है 200 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम के ये डीएलएफ फेज 3 का इलाका है, जहाँ पर अवैध रूप से जो है यहाँ पर झुग्गियां बनी हुई थी, जिसमें आज सुबह जो है ये आग लगी है। आग की चपेट में तमाम जो झुग्गियां पर बनी हुई थी वो सभी जो है जलकर खाक हो गई हैं। और दमकल विभाग की लगभग आधा दर्जन गाड़ियों ने जो है मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो झुग्गियां यहां पर बनाने वाले थे, मांगे राम नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जो है जांच कर रही है, जो कि वहां पर हितेंद्र कुमार जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे वो मौके पर थे, वही इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। और इस हादसे में एक 7 महीने के बच्चे की मौत भी जो है सामने आई है और 3 लोग जो है अपन लापता भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल उनका भी जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं वो कौन लोग हैं, और जो एक 7 महीने के बच्चे की जो मौत हुई है उनके परिजन भी जो है वहाँ पर उनका रो रो कर जो है बुरा हाल है। फिलहाल जो झुग्गियां हैं वो आग जो लगी थी उस पर जो है फिलहाल काबू पा लिया गया है, और तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो अब ये प्रयास कर रहे हैं कि ये झुग्गियां जो है किसने बनवाई थी और कब से जो है यहाँ पर ये झुग्गियों में रह रहे थे। गुलशन, इस आग के क्या कुछ कारण है, इसके पीछे क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, आग लगने का कारण अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है। हालांकि दमकल विभाग की टीम से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि पहले आग को बुझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद ही ये पता लगाया जाएगा कि आग किन कारणों से यहाँ पर लगी है। फिलहाल अभी आग के कारणों का जो फिलहाल जो प्रथम दृष्टि मामला जो सामने आया कि वो यही आया कि कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके कारण इसमें आग लगी है, क्योंकि जो झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई हैं उन सभी झुग्गियों में यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था जो है इन्होंने की हुई थी, तो ये खुद जो है अंगीठी भी यहाँ पर जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई जिस तरह से हवा जो है यहाँ पर शीतलहर चल रही है उसके जो कोयला है वो कहीं ना कहीं किसी और झुग्गी में ना पहुँच गया हो, या कोई आग की अंगार जो है वो किसी ऐसी जगह ना लगी हो जिससे आग लगी हो। ये तमाम जो प्रयास है अभी फिलहाल दमकल विभाग जुटाने में जुटा है कि किन कारणों से यहाँ पर आग लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको गुलशन तमाम जानकारी के लिए।